तो एक बार मेरा सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, आप सबको जो है 15 दिन का टारगेट बनाना है। आपने अपने CRPF, HCM एंड ASI के लिए 15 दिन का टारगेट ज़बरदस्त तरीके से बनाना है। आज मैं आप सबको ऐसे नियम बताना वाला हूँ जिसके वजह से आप लोग अपने एग्ज़ाम में 85+ मार्क जरूर अचीव करेंगे। हाँ, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस सेशन में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग बचे हुए मात्र 15 दिनों में 85+ मार्क ला सकते हैं। जो उन लोगों के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए नहीं है जो इसने अभी अभी हाल में ही तैयारी करना शुरू किया है कि हमने कभी नहीं पढ़ा, जाके 85% लेकर आ जाएंगे। उन छात्रों के लिए है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से रगड़ रहे हैं लेकिन उनका मार्क नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में बस यही बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं देखूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आप सबको पता ही होगा कितने विषय आने वाले हैं। सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, हिंदी आएगा, GK GS आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, 4 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इन 4 सब्जेक्टों में क्या अब हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा शुरू से? नहीं, आपको कभी भी गलती नहीं करना है। इन 4 सब्जेक्टों को अब नहीं पढ़ना है, इन 4 सब्जेक्टों को अब पढ़ना नहीं है, एक भी बार देखना नहीं। क्या करना है? ओनली प्रैक्टिस और डाउट क्लियर करना है, दो ही चीज़ करना है। क्या करना है? एक तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है ढेर सारा, और जहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जहाँ भी डाउट आ जाए उस डाउट को क्लियर करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, डाउट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, डाउट क्लियर करना है। बस दो ही चीज़ आपको करना है इन 15 दिनों तक। 15 दिनों तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। 15 दिन की आप पूरा एकदम ठान लीजिए कि मुझको दो ही काम करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस में जो भी मुझे गलतियां होती है उसको क्लियर करना है, यानी कि डाउट क्लियर करना है। आप सबको इन 4 विषयों को कभी उठा के दोबारा नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, डाउट क्लियर करना है। मैं इन्हीं बातों पर फोकस करूँगा कि आपको प्रैक्टिस करना है और डाउट क्लियर करना है। मैं सेफ्टी से बताऊँगा, आपका एग्ज़ाम में 85% मार्क ना आया ना तो पढ़ाना छोड़ दूँगा, आपका 85% मार्क ला के रहूँगा। और बात करेंगे टाइपिंग की और फिजिकल की, इन सब की टेंशन ना अभी आपको नहीं करना है। टाइपिंग की टेंशन और फिजिकल की टेंशन आपको नहीं करना। ये जो टाइपिंग है और फिजिकल, ये तो आपका सेकेंड स्टेज है। जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे ना, तब ये वाला टाइपिंग और फिजिकल होगा। तो अभी आपने फर्स्ट स्टेज कहाँ क्लियर किया? पहला आपका लक्ष्य रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो अगर आप पहले अपना लक्ष्य बनाएंगे कि रिटन एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तब अपना सेकंड एम अपना अपनाएंगे टाइपिंग का और फिजिकल का। तो अभी आपको कहाँ पर फोकस करना है? ओनली रिटन में आप सबको फोड़ के आना है, तोड़ के आना है, यानी कि 85+ मार्क जरूर लेकर आना है। तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि इस वीडियो के जरिए मैं इसमें आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और डाउट क्लियर करना है, दो ही काम करना है, प्रैक्टिस करना है, डाउट क्लियर करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।